हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों एक बार फिर से एवेंजर जैसी ताबड़तोड़ फिल्म लेकर आए हैं रूसो ब्रदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी ग्रे मैन की, और हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर ऐसा कि बाप रे बाप, मतलब कि आपको एक बार फिर से सच में एवेंजर की याद आ जाएगी, और कैप्टन अमेरिका को देखकर तो आपको प्यार ही हो जाएगा। लेकिन इस फिल्म की खासियत यह है कि इस फिल्म में आपको इंडियन एक्टर धनुष नजर आएंगे। जी हाँ, वही साउथ के एक्टर धनुष जो जाने जाते हैं अपने अलग ही चार्म के लिए, अपनी अलग फिल्मों के लिए। साउथ एक्टर धनुष जल्दी दी ग्रे मैन से हॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। एक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दूं कि इस अपकमिंग फिल्म से हॉलीवुड में एंट्री करने वाले धनुष एक अलग अवतार में नजर आएंगे, जिसके लिए फैंस बहुत बेताब हैं। इस बीच अब फैंस का इंतजार थोड़ा कम करते हुए मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। सामने आए फिल्म के ट्रेलर में रयान गोसलिंग, क्रिस इवांस, एना डी समेत सभी एक्टर्स जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए हैं। वहीं साउथ एक्टर धनुष भी एक्शन मोड में नजर आए। एक्टर का ये अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। एक्टर का दमदार एक्शन और बेहतरीन एक्टिंग देख फैंस एक बार फिर से धनुष के एक्टिंग की दीवाने हो गए हैं। दोस्तों YouTube पर शेयर रिलीज किए गए इस फिल्म के ट्रेलर को कुछ ही देर में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया था। वहीं ट्रेलर देखने के बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। ट्रेलर देखने के बाद लोग इसे एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म बता रहे हैं। साथ ही ट्रेलर में धनुष के दमदार एक्टिंग को देख उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। दी ग्रे मैन नामक एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एंथनी और रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में रयान, क्रिस इवांस, एनाडी अरमास, रेगेजिन, जेसिका हेनविक, बिली बॉब, वैगनर मोरा और धनुष नजर आएंगी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी एक फ्रीलांस हत्यारे और पूर्व CIA ऑपरेटिव कोड जेंट्री यानी कि रयान के इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों ट्रेलर बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, फुल टू एक्शन है, और एक बार फिर से अपने कैप्टन अमेरिका को देखकर एक अलग अंदाज में मजा ही आ गया। लेकिन दोस्तों फिल्म का ट्रेलर है तो माइंड ब्लोइंग, लेकिन इसमें धनुष का जो कैरेक्टर है, जो रोल है, बहुत ही छोटे से माइनर सेकंड के लिए दिखाया गया है, जहां वो कैप्टन अमेरिका से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बात से फैंस थोड़े बहुत नाराज जरूर हैं, जरूर वो थोड़े बहुत खफा हैं कि पूरे 2 मिनट के ट्रेलर में धनुष का जो क्लिप है वो बहुत ही माइनर सेकंड के लिए है, और कहा जा रहा है कि ट्रेलर में उनके क्लिप को ना यूज करके मेकर्स ने बहुत बड़ी गलती की है। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेलर में ना सही लेकिन फिल्म में उनका बहुत ही अच्छे से यूज किया गया हो, वो पूरी फिल्म में हमें नजर आए। वेल, आपको कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।